नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2020 के दूसरे हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अजय त्यागी चेयरमैन ऑफ सेबी गेट्स हाउ मच एक्सटेंशन। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को कितना एक्सटेंशन मिला? तो इसका आंसर है 18 महीने। नाउ नेक्स्ट वन इज हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एट धौला कुआं इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में धौला कुआं में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला किसने रखी? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। नाउ नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who registers a victory in Sri Lankan parliamentary elections? श्रीलंकन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में किसने जीत दर्ज की? तो इसका आंसर है महिंदा राजपक्षे। Now next question is, Who addresses conclave on transformational reforms in higher education? अंडर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हायर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स पर कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएसडीसी अनाउंस कोलैबोरेशन टू अपस्किल प्रोफेशनल्स इन डिजिटल स्किल्स विद विच कंपनी। एनएसडीसी ने डिजिटल स्किल्स में प्रोफेशनल्स की स्किल बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है सिंपली लर्न। नाउ नेक्स्ट वन इज हु इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट। ग्लोबल फूड लॉस और वेस्ट को कम करने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state became the first state to partner with Google India to provide learning tools for schools? कौन से राज्य स्कूलों के लिए लर्निंग टूल प्रोवाइड करने के लिए Google India के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। Now next question is How much percent LIC acquired as stake of Yes Bank? LIC ने Yes Bank की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो इसका आंसर है 4.23%। Now next question is Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India in August 2020. अगस्त 2020 में भारत के Comptroller and Auditor General के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जीसी मुर्मू। Now next question is ADB approved $200 million to improve road infrastructure in
34 districts of which state? ADB ने किस राज्य के 34 जिलों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए $200 मिलियन अप्रूव किए? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस सैंक्शनड अंडर फेम स्कीम? फेम स्कीम के अंतर्गत कितनी इलेक्ट्रिक बसेस सैंक्शन हुई? तो इसका आंसर है 5,595। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट्स राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इन दिल्ली? दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नाउ नेक्स्ट वन इज हु टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमन? फोर्ब मैगजीन की हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमन लिस्ट में सबसे ऊपर कौन रही? तो इसका आंसर है सेरेना विलियम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्चेस मोबाइल ऐप एंड बैकएंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम? हैंडलूम मार्क योजना के लिए मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्चेस न्यू फाइनेंसिंग स्कीम अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत नई फाइनेंसिंग योजना किसने लॉन्च की? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक्स ओथ एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर है मनोज सिन्हा। Now next one is who wins Asian College of Journalism award for investigative journalism? Investigative journalism के लिए Asian College of Journalism award किसने जीता? तो इसका आंसर है नितिन सेठ। Now next question is which state announced new industrial policy 2020? कौन से राज्य ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 की घोषणा की? तो इसका आंसर है गुजरात। नाउ नेक्स्ट वन इज विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इट सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त 2020? 8 अगस्त 2020 को क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो इसका आंसर है 78वीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू? पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। नाउ नेक्स्ट वन इज विच रेलवे म्यूजियम
dedicated to nation by Piyush Goyal and Prahlad Joshi. कौन सा रेलवे म्यूजियम पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी द्वारा राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया? तो इसका आंसर है हुबली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल इंडिया फाइनेंस अपॉइंटेड हुम एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने किसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया? तो इसका आंसर है हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मोहम्मद अल बिलाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अवर ओनली होम और क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? अवर ओनली होम और क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है दलाई लामा। Now next question is who launched online dashboard for information on national infrastructure pipeline? National infrastructure pipeline पर information के लिए online dashboard किसने launch किया? तो इसका आंसर है finance minister। Now next question is which company launched India's first pocket Android POS device? कौन सी कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया? तो इसका आंसर है Paytm। तो दोस्तों अगस्त 2020 के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। Oh, 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 oh